कर दूं, मैं यहाँ फिर कभी नहीं आऊंगा साला। हाँ माँ, मुझे बहुत चोट लग रहा है। माँ चोट लग रहा है, मारती हूँ किस लिए? लो पैसे, हट जाओ उधर। आइए रुपेश कुमार की तरफ से छोटा सा बच्चा रुपेश कुमार, उनके तरफ से आए हैं पुरस्कार, 21 रुपया का पुरस्कार है। उन भाई को मैं अपनी पार्टी ओर से लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। मेरे जेब में रहेगा, क्या देखता है, यहां भी नहीं रखूंगी, मैं यहां रखूंगी। लीजिए तो हरिए, देखता है टुकुर टुकुर साला। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम? माँ, अगर मैं नाम बता दूंगा तो क्या मुझे छोड़ दोगी माँ? बिल्कुल मैं छोड़ दूंगी। छोड़ दोगे? हाँ। ठीक है माँ, मेरा नाम भक्त ध्रुव कुमार है माँ। अपने नामों पे टाइटल देखने में कितना छुछुनर की तरह लगता है, और टाइटल बढ़ाता है भक्त। सीधा बोलो ध्रुव कुमार। ठीक है माँ। क्या बोलोगे? मेरा नाम ध्रुव कुमार है। हाँ, ऐसे ही बोलना, क्या मैं टाल लूंगी। और तुम्हारा घर कहाँ है? माँ, मेरा घर जंगल में पड़ता है माँ। ओ, तो तुम्हारा घर जंगल में पड़ता है। जंगल में कितने लोग रहते हो? कौन सब रहते हो बता? जंगल में एक मैं रहता हूँ, एक मेरी माँ रहती है, इसके सिवा कोई नहीं रहता है माँ। जंगल में तू रहता है और तुम्हारी माँ रहती है, इन दोनों के अलावा और कोई नहीं रहता है? कोई नहीं रहता। लास्ट सवाल, लास्ट सवाल का जवाब कहीं तू दे दिया तो जहां से आया है तुझे मैं वहां भगा दूंगी, उतना दूर कर दूंगी कि तुम्हारी गंदी हवा इस महल में प्रवेश नहीं होगी। ठीक है। लास्ट सवाल, तुम्हारी बाप का नाम क्या है बता? तुम्हारे पिताश्री का नाम क्या है बोल। अरे माँ, मैं अपने पिताजी को नाम नहीं जानता हूँ। क्या? मैं अपने पिताजी को नाम नहीं जानता हूँ। क्या कहा? हाँ माँ, मैं अपने पिता को नाम नहीं जानता हूँ। नाम नहीं जानता, बताइए आप लोग। साला इतना बड़ा कैलेंडर, ये अपने पिताश्री का नाम नहीं जानता है। देख देख अपने नजर फार फार के देख, इस राज्य में, इस शहर में तुमसे छोटा छोटा सभी बच्चा अपना पिताश्री का नाम जानता है। साला तुम किस खेत का मूली है जो अपने पिताश्री का नाम नहीं जानता रे? ऐसे तो लगता है, ऐसे तो लगता है न जाने तुम्हारी माँ रहती है जंगल में। जंगल में कितने मर्द लोग आते और जाते होंगे, तुम्हारी माँ के साथ क्या से क्या सलूक करते होंगे, इसलिए तुम्हारी माँ एक रंडी होगी। नहीं माँ, तुम्हारी माँ पेशिया होगी, तुम्हारी माँ बजारू होगी, तुम्हारी माँ धंधा करवाती होगी। तू एक नजायज औलाद जो कि अपने पिताश्री का नाम नहीं जानता है, तुझे तो चुरू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, नहीं रहना चाहिए धरातल धरती पे, नहीं रहे।
मैं अपनी माँ से अपने पिताजी के बारे में कुछ नहीं पूछा हूँ माँ, मुझे 10 मिनट का मोहलत दो माँ, मैं यहाँ से जाऊंगा और अपनी माँ से पूछ कर आऊंगा। मैं तुझे 10 मिनट की मोहलत दूँ और यहाँ से जाने दूँ? हाँ माँ। इस महल में जो आता है ने, वो दुआ जिंदा लौट के नहीं जाता है। आज तू बचेगा तो न जाएगा, अभी इसी वक्त तुम्हारा राम नाम सत सत में डालोगी। हट, अभी इसी वक्त महामंत्री को आवाज लगाती हूँ। महामंत्री जी, महारानी जी प्रणाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कहाँ रहता है तू रे? अभी बस भी ट्रेन आ रही हूँ। अच्छा, मर्चेंट में पौने ढारे रही है। महामंत्री दरबार में देखता है कौन आता है कौन नहीं? दरबार में या ये कौन है? कौन है और यहाँ आया कैसे है? ये उत्तम कुमार के साथ दोस्ती करके महल आया है। ये उत्तम कुमार का दोस्त है। महारानी जी ये देखिए, इसका शकल देखिए। शकल ये भिखारे, ये रंगल का धोती पहन लिया है एकदम। हाथ में देखिए घोंगा फेर रहा है। घोंगा है? घोंगा नहीं है, ये रुद्राक्ष है। हाथ में घोंगा लेके बाबा जी बन रहा है रे, तारा के मोरा। लेकिन महारानी जी इस बच्चे का घर कहाँ है? इसका घर जंगल में है। जंगल में? जंगल में इसकी माँ रहती है और ये रहता है। इसके बाप का नाम क्या है? ये अपने पिताश्री का नाम नहीं जानता है। तो अपने बाप का नाम नहीं जानता है? नहीं जानता है। लेकिन महारानी जी इसकी माँ रहती है जंगल में। इसकी माँ भी तो एक औरत है। औरत है? इसे पिता का नाम नहीं बताया है? नहीं बताया। आप भी तो इस राज की राजमाता है। मैं माता हूँ। वो पिता का नाम क्यों नहीं बताए है? औरत की बात औरत जानते हैं। वो धंधा करवाती होगी। धंधा? आप जानते हैं इसकी जंगल में रहने वाली इसकी माँ कैसी है? रंडी हो, हो, बाजारू औरत हो, जंगल में रह के धंधा करवाती है। पिलवा फरतो, इसलिए ये नजायज औलाद। हाँ, पिलवा फरतो। किसको? देख रहे माया का? हाँ, तो देख रहा है ला रही है तो। महारानी जी, महामंत्री, इस बच्चे के बारे में आपने कुछ सोचे हैं? मैं सोची हूँ जी, लेकिन इसको कहाँ ले जाए? अगर ये बच्चा जिंदा रहेंगे तो ये उत्तम को खराब कर देंगे। महामंत्री, ये जंगल में रहने वाला भिखारी बबजिया है, ऐसे नहीं होगा। तो हाथ बांध दो। हाथ को बांध, ले जाओ ऊंचे बड़े पहाड़ के ऊपर। जी जी जी, बहुत बड़ा पहाड़ के ऊपर ले जाओ। हाँ साला, वहीं से इसे धकेल देना। अरे नगमो सब भांग जेते, ये टुकड़ा टुकड़ा होके मर जाएगा। बाबा महारानी जी, ना रहेगी बांस ना बजेगी कभी बांसुरी। चल बांध दो इसे। समय पूरी गलो। किसका? छोड़वा का। हाँ छोड़वा, समय पूर लो। इसका समय पूर गया यार। ननो चल, समय पूर लो और ले जाए इसे। महारानी जी जिंदा नहीं दिखना चाहिए। आप जाइए यहाँ से महल, आप बच्चे को लेकर यहाँ से जा रहे हैं। ले जा। कला तो नहीं कह रहे, घूर नहीं घूर देख ले, नजर नजर देख ले। मुझे माफ कर दो माँ, मारता उतरा जा चुले चले। ध्रुव कुमार खाल खाल में तो ही कुछ